नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी हुई। बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर अभी भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दो बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई। सभी छात्र जुड़ी जो इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 दे चुके हैं या इस वक्त सभी छात्र है जो परीक्षा दे रहे हैं, चाहे भारत के आप किसी भी राज्य के किसी बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र और छात्राएं हैं, तो आप तमाम छात्र जुड़िए। सबसे बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आ रही है जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो मित्र के साथ में देने वाले, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप कौन से राज्य और कौन से बोर्ड से उसकी भी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड और राज्य से जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारे छोटी इस रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार और शिक्षा मंत्रालय कई सारे अहम प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच सरकार की तरफ से कल एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई देश के सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ में, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर एक बहुत ही बड़ा चेंजेज कर दिए। जी आपसे बता दें, आप सभी छात्र जुड़ रहे चेंज है और आप सभी छात्र इसको जानकर खुशी से उछल पड़ेंगे। जी आपसे बता दें, सरकार ने कहा कि इस बार यदि कोई भी आपके तीन विषय के अंदर यदि आप फेल हो जाते हो तो उन विषय की दो महीने के भीतर भीतर आप परीक्षा देकर उन विषय को पास कर सकते हो और आप उसे कक्षा से अगले कक्षा में पास होकर जा सकते हो। यह सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा ऐलान यह है कि यदि आपके कम नंबर बन जाते हो और आप संतुष्ट नहीं होते उस नंबरों से, तो भी आप दो महीने बाद में कंपार्टमेंट एग्जाम देकर उनमें पास कर सकते हो। यह सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया और अच्छे नंबर हासिल भी कर सकते हो। यह सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई। इसके अलावा बात करें तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बड़ी घोषणा की, तो सरकार ने कहा कि आपका इस महीने के आखिरी हफ्ते में सभी जो बोर्ड है उनका रिजल्ट फाइनली है वो जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि अब ज़्यादा डिले नहीं होगा, अब आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी घोषणा हो चुकी है। इस पर आप सभी क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।